哎，宝贝。डेथ टोल 22 है तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई, वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। सर अभी अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है, कॉर्पोरेशन के सब डॉक्टर सर महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। अभी ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है सर, क्या किसी का दोष या कोई ऐसा? अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, अभी अभी हादसा हुआ, पहले उस हादसे से सवरना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट के लेवल पे कोई प्रोसीजर हुआ है।
पहिल्या जागांनी इकडे ऊपर आहे ना दुसऱ्या ठिकाणी ऑक्सिजन जागा आहे प्रॉब्लेम झाला ऑक्सिजनचा चला इकडे जाऊ तुझी आम्हाला चालली रिफिलिंग करते वक्त जो लीकेज हो गया उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे वेंटिलेटर पर जो हमारे पेशेंट्स थे उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई है। सर कितने लोगों की मृत्यु हुई उसमें? अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ स्पष्ट पुष्टि नहीं हो रही है। करीबन 18 से 20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 22 लोगों की मृत्यु की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए हैं, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल जो नासिक महानगर पालिका का एक महत्वपूर्ण कोविड सेंटर है और वहां पर कोविड के जो रुग्ण हैं उनके जो ऊपर उपचार किया जाता है, ऐसे परिस्थिति में वहां पर कल 21 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से करीबन 22 मरीज हैं और उन लोगों की जान चली गई है। इस संदर्भ में हमारे जो वहां पर यंत्रणा थी, हमारे थाना प्रभारी भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में आता है, वहां पर थाना प्रभारी साहब ने वहां पर सारी चौकसी की और महानगर पालिका की जो प्रेस नोट थी इन दोनों के आधार पर थाना प्रभारी ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी के नेग्लिजेंस की वजह से वहां पर ये हादसा हुआ है। तो इसलिए इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड विधि के सेक्शन 304A के हिसाब से अज्ञात लोगों के ऊपर में गुना दाखिल किया गया है और सीआर नंबर 117/2021 भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अज्ञात लोगों के ऊपर में गुनाह कायम किया गया है।